जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। और मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ SSB के प्रोसीजर के बारे में, फ्रॉम डे 1 टू डे 5, और कौन कौन से टेस्ट होते हैं और कैसे होते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग करनी होती है कैंडिडेट्स को, तो उसकी बात करते हैं। रिपोर्टिंग के लिए कैंडिडेट के पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला तो आप जिस सिटी में जा रहे हो, आपके उसी रेलवे स्टेशन पे एक दिन पहले आपके SSB के दोपहर में आपको MCU पर रिपोर्ट करना पड़ेगा। वहां से मिलिट्री बस आएगी और आपको SSB सेंटर लेकर जाएगी। दूसरा ऑप्शन होता है, कैंडिडेट्स को डायरेक्टली रिपोर्ट करना होता है मेन गेट पे SSB के सुबह 6 बजे ऑन द सेम डे ऑफ स्क्रीनिंग और स्टेज 1 टेस्टिंग। तो वोटिंग के बाद कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अंदर ले लिया जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद चेस्ट नंबर अलॉट कर दिए जाते हैं। चेस्ट नंबर अलॉट करने के बाद स्टेज 1 टेस्टिंग और स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए कैंडिडेट्स को हॉल में लेके जाया जाता है और वहां पे मेनली स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करें तो ये मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट की। इंटेलिजेंस टेस्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। इसमें कैंडिडेट्स को बुकलेट प्रोवाइड की जाती है और OMR मार्कशीट और मैनुअल आंसर शीट भी दी जाती है, और टेस्ट बुकलेट के डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पे टाइम अलॉट किया जाता है कैंडिडेट। ये टेस्ट कंडक्ट करने के बाद ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग अलॉट की जाती है हर एक चेस्ट नंबर को, और इसी के तुरंत बाद पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। उसी सेम हॉल में कैंडिडेट्स को 30 सेकंड के लिए एक हेजी पिक्चर दिखाई जाती है, और हेजी पिक्चर दिखाने के बाद उनको 1 मिनट दिया जाता है कैंडिडेट्स को एज, जेंडर और मूड लिखने के लिए और एक्शन ऑफ द स्टोरी लिखने के लिए। फिर उसके बाद कैंडिडेट्स को 4 मिनट दिए जाते हैं। 4 मिनट में कैंडिडेट्स को उस पिक्चर से रिलेटेड एक स्टोरी लिखनी पड़ती है। उस स्टोरी में मेनली 3 पार्ट होने चाहिए, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज करंटली हैपनिंग राइट नाउ इन द स्टोरी एंड व्हाट इज द फ्यूचर आउटकम। ये स्टोरी लिखने के बाद कैंडिडेट्स को बाहर भेज दिया जाता है और कैंडिडेट्स को फर्दर टेस्टिंग के लिए सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है 10-15 के ग्रुप। फिर कैंडिडेट्स को ग्रुप वाइज बुलाया जाता है एक हॉल में, सेमी सर्कुलर पैटर्न में बैठाया जाता है और इंडिविजुअल नरेशन करने के लिए बोला जाता है। और इंडिविजुअल नरेशन के लिए 60-90 सेकंड्स एक कैंडिडेट को दिया जाता है, और इंडिविजुअल नरेशन हो जाने के तुरंत बाद ग्रुप डिस्कशन शुरू हो जाता है। ग्रुप डिस्कशन होने के बाद कैंडिडेट्स को एक कंसेंसस पे पहुंचना होता है और एक कॉमन स्टोरी बनानी होती है। कॉमन स्टोरी के लिए एक बंदे को नॉमिनेट करना होता है, और नॉमिनेशन के बाद वो जो बंदा है वो कॉमन स्टोरी नरेट करता है और टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद कैंडिडेट्स को बाहर भेज दिया जाता है और उनको नाश्ता करवाया जाता है, और दोपहर तक स्क्रीनिंग टेस्ट और स्टेज 1 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है। और जो स्टेज 1 में रिकमेंड नहीं हो पाते उनको उसी दिन घर पे भेज दिया जाता है, और स्टेज 1 में जो रिकमेंड हो जाते हैं उनको अदर फॉर्मेलिटीज और डॉक्यूमेंट्स फिलिंग के लिए हॉल में ले जाया जाता है। वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है PIQ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन है। ये आपको 2 फॉर्म्स दिए जाते हैं, इसी के बेसिस पे आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, और साइकोलॉजिस्ट भी इसी के बेसिस पे आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को कनेक्ट करता है और वेरीफाई करता है। डे 1 खत्म हो जाता है, इसी के साथ ही कैंडिडेट्स को उनके रूम्स अलॉट कर दिए जाते हैं। अब बात करते हैं डे 2 टेस्टिंग की। डे 2 पे क्या होता है, सबसे पहले होता है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट एंड सेल्फ डिस। तो सबसे पहले बात करते हैं थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट सिमिलर होता है जो हम लोगों ने PPDT में किया होता है। इसमें कैंडिडेट्स को 11 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, एक के बाद एक, टाइम नहीं दिया जाता है बिल्कुल भी। 30 सेकंड के लिए एक पिक्चर फ्लैश होती है स्क्रीन पर हॉल में, और फिर 30 सेकंड के बाद 4 मिनट का टाइम दिया जाता है स्टोरी लिखने के लिए, और स्टोरी में वही 3 चीज लिखनी होती है, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज करंटली हैपनिंग राइट नाउ एंड व्हाट इज द फ्यूचर आउट। ऐसे करते करते आपको 11 स्टोरीज लिखनी होती है। 12th पिक्चर होती है वो ब्लैंक होती है कैंडिडेट्स को, वो उस पर अपनी कोई भी स्टोरी वो लिख सकते। ऐसे ही थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट हो जाता है। फिर आता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में 60 वर्ड्स दिखाए जाते हैं स्क्रीन पर, और एक वर्ड 15 सेकंड्स के लिए स्क्रीन पर रहता है, और जैसे ही वर्ड चेंज होता है एक अलार्म बजता है, और कैंडिडेट्स को 60 वर्ड्स कंप्लीट करने होते हैं एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में कैंडिडेट्स को एक शॉर्ट सेंटेंस बनाना होता है, और उसमें बिल्कुल टाइम नहीं दिया जाता, इसीलिए माना जाता है कि जो कैंडिडेट्स के माइंड में होगा वही उसमें निकल के आएगा। फिर इसके बाद वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के बाद आता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें कैंडिडेट्स को एक बुकलेट दी जाती है, उसमें 60 सिचुएशंस होती हैं, और वो सिचुएशंस को कैंडिडेट कैसे हैंडल करते हैं और सॉल्व करते हैं इसके लिए उनको एक टाइम अलॉट किया जाता है, और एक सेपरेट आंसर शीट में रिस्पांस लिखते हैं। ऐसे ही हमारा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हो जाता है। इसके बाद आता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में कैंडिडेट्स को 4-5 पैराग्राफ लिखने होते हैं। इस पैराग्राफ में मेनली उनको लिखना होता है कि पेरेंट्स उनके बारे में क्या सोचते हैं, और उनके टीचर्स और बॉस उनके बारे में क्या सोचते हैं, फ्रेंड्स और कलीग्स उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो अपने बारे में क्या सोचते हैं, दैट इज सेल्फ इमेज, और फाइनल वो अपने आप में क्या इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं फ्यूचर में। इसी के साथ हमारा सेल्फ डिस्क्रिप्शन हो जाता है। तो अब हम लोगों ने साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात कर ली है, अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप टेस्टिंग की, दैट इज GDO 1 और GDO 2। ग्रुप टेस्टिंग में ओवरऑल हमारे 9 टास्क होते हैं, और टेस्ट कह सकते हैं ये हमारे 2 दिनों में डिवाइड कर दिए जाते हैं, डे 3 और डे 4 में। तो सबसे पहले बात करते हैं
डे थ्री पर क्या क्या होता है। तो डे थ्री पे हमारा सबसे पहला टेस्ट होता है और टास्क होता है ग्रुप डिस्कशन का। तो ग्रुप डिस्कशन के हमारे दो राउंड चलते हैं। तो पहले राउंड में जीटीओ हमको दो टॉपिक्स देता है, उनमें से एक टॉपिक पे हम लोगों को ग्रुप डिस्कशन करना होता है। फिर उसी के बाद हम लोगों को दूसरे राउंड के लिए एक टॉपिक दिया जाता है जिसके लिए हमें कोई चॉइस नहीं मिलती और थ्री लीड्स भी मिलती है जिसपे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारा ऐसे ही ग्रुप डिस्कशन हो जाता है। कैंडिडेट्स का ग्रुप डिस्कशन होने के बाद कैंडिडेट्स को ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के लिए ले जाया जाता है। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में जीटीओ एक मॉडल को एक्सप्लेन करता है सारे कैंडिडेट्स को और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस करता है और बताता है। उसी के बाद एक स्टोरी भी बताता है जीटीओ। स्टोरी बताने के बाद कैंडिडेट्स को 5 मिनट का टाइम दिया जाता है और एक शीट दी जाती है जिसमें वो स्टोरी मेंशन होती है। 5 मिनट में स्टोरी को पढ़ना होता है कैंडिडेट्स को और 5 मिनट ओवर होने के बाद एक शीट पर सोल्यूशन लिखना होता है, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं और एक पूरा प्लान बनाना है। और ये प्लान बनाने के लिए कैंडिडेट्स को 10 मिनट दिए जाते हैं और ये प्लान बनाने के बाद सारे सोल्यूशन कैंडिडेट्स के जमा कर लिए जाते हैं और ग्रुप डिस्कशन शुरू हो जाता है। ग्रुप डिस्कशन जनरली 10 to 20 मिनट चलता है और ग्रुप डिस्कशन में हम कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना होता है और प्रायोरिटीज को डिस्कस करना होता है और क्या क्या रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और ये सब डिस्कस करते हुए एक कॉमन प्लान पे आना पड़ता है। लास्ट में एक कैंडिडेट को नॉमिनेट करना पड़ता है कैंडिडेट्स को ताकि वो एक फाइनल सोल्यूशन दे सके। फाइनल सोल्यूशन देने के बाद हमारा ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होने के बाद हमारा आता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क एक ग्रुप टास्क होता है, इसमें हमें 4 ऑब्स्टेकल्स दिए जाते हैं जिनकी डिफिकल्टी लेवल प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होती है और इसमें हम लोगों को हेल्पिंग मटेरियल दिया जाता है और एक लोड भी दिया जाता है जो हमें ऑब्स्टेकल पार करते हुए साथ में लेके जाना होता है। और इसमें सर्टेन रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं जिसके बारे में मैं कभी ब्रीफली डिस्कस करूंगा जब मैं जीटीओ पे प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के लिए मेनली 45 मिनट्स दिए जाते हैं कैंडिडेट्स को कंप्लीट करने के लिए। ऐसे ही प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हो जाता है। उसके बाद आता है ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ कंपीट करना होता है। ये एक रेस होती है जिसमें कॉम्पिटेटिवनेस चेक की जाता है और ग्रुप्स को एक दूसरे को हराना होता है। इसमें एक रोल किया हुआ टेंट दिया होता है और उसका टेंट का शेप ऐसा होता है कि वो सांप लगता है, तो उसको स्नेक रेस भी कहा जाता है। इसमें हम लोग को सीरीज ऑफ ऑब्स्टिकल्स को पार करना होता है एज अ टीम। तो अब मैं डिस्कस करता हूँ कि हम लोगों को ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में कौन कौन से ऑब्स्टिकल पार करने होते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में आता है सिंगल रैंप। फिर सिंगल रैंप में हम लोगों को सीधा चढ़ के जाना होता है और जंप करनी होती है। और मैं बता दूं कि जब हम लोग ऑब्स्टिकल पार कर रहे होते हैं तो हमारा जो स्नेक होता है एट एनी टाइम 3 लोगों के हाथ में होना चाहिए। 3 से कम हुआ तो हम रूल वायलेट करेंगे और हम लोगों पे पेनल्टी लग सकती है। फिर सिंगल रैंप हो जाने के बाद आता है द फिगर ऑफ 8, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसमें कैंडिडेट्स को 8 का फिगर बनाना होता है और स्नेक को भी उसी फिगर में लेकर जाना होता है। द फिगर ऑफ 8 हो जाने के बाद स्पाइडर्स वेब आता है जिसमें आप देख सकते हैं इसमें ऊपर जाना है फिर नीचे आना है और हम लोगों को स्नेक को ग्राउंड पे टच नहीं होने देना है। और फिर स्पाइडर्स वेब के बाद आता है डबल वॉल। डबल वॉल में बीच में एक वुड का लॉग लगा होता है और हम लोगों को ये वॉल क्लाइंब करनी होती है और अदर टीम मेंबर्स को भी निकालना होता है। डबल वॉल के बाद आता है सिंगल वॉल, जो कि डबल वॉल से स्लाइटली हायर होती है। और सिंगल वॉल हो जाने के बाद फाइनल आता है सिंगल रैम्प और अ स्लाइड। ये हमारी पार्क में खेलते थे फिसल पट्टी उसी के जैसा होता है, बस ये थोड़ा सा डिफिकल्ट इसीलिए हो जाता है क्योंकि इसमें जो हमें हमारे पास स्टेयर्स होती हैं चढ़ने के लिए वो बहुत ही नैरो होते हैं, तो इसमें किसी अदर टीममेट की हेल्प नहीं कर सकता कैंडिडेट, तो उसे आराम से खुद ही चढ़ना होता है। और उसी के दूसरी साइड एक स्लाइड लगी होती है जो स्लाइड करके खत्म करनी होती है। और जो ये टीम या ग्रुप पहले खत्म कर लेता है वो जीत जाता है। फिर हमारा ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस हो जाता है। उसके बाद फिर आता है लेक्चरेट। लेक्चरेट की बात करूं तो इसमें हर एक कैंडिडेट को 3 मिनट के लिए किसी भी टॉपिक पे बोलना होता है और एड्रेस करना होता है अपने ग्रुप मेंबर्स को, तो उसके बारे में बात करते हुए। इसमें हर एक कैंडिडेट को 4 टॉपिक दिए जाते हैं। एक हाई लेवल टॉपिक होता है, 2 एवरेज लेवल टॉपिक्स होते हैं और एक लो लेवल टॉपिक होता है। तो आप देख सकते हैं ये डिवाइडेड है हाई लेवल, एवरेज लेवल एंड लो लेवल टॉपिक। और जब तक फर्स्ट वाला चेस्ट नंबर प्रिपेयर कर रहा है अपना टॉपिक, तब तक दूसरे चेस्ट मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए जीटीओ बोलता है और 10 से 15 सेकंड में वो हर एक कैंडिडेट को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है। फिर वो जीटीओ बता देते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या बताना है, नाम, कहाँ से हो, एजुकेशन बैकग्राउंड और जहाँ से आ रहे हो वहाँ की कुछ फेमस चीज है, घूमने लायक जगह। फिर हमारा लेक्चरेट हो जाता है। लेक्चरेट हो जाने के बाद लेक्चरेट टॉपिक हो जाने के बाद हमारा आता है हाफ ग्रुप टास्क। जैसा कि मैंने बताया था प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क भी एक ग्रुप टास्क है लेकिन वो पूरा ग्रुप सॉल्व करता है।
तो वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स को मौका नहीं मिलता है, इसीलिए एक हाफ ग्रुप टास्क होता है जिसमें ग्रुप को हाफ कर दिया जाता है। अगर पहले ग्रुप में 6 लोग थे तो अब 3 लोग उस टास्क को सॉल्व करेंगे और इससे हर एक बंदे को अपॉर्चुनिटी मिलती है। हाफ ग्रुप टास्क में भी वही सारे रूल्स होते हैं जो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होते हैं और इसमें जनरली 20 मिनट का टाइम दिया जाता है ऑब्स्टेकल पार करने के। इसी के साथ हमारा डे 1 ऑफ GTO कंप्लीट हो जाता है और फिर हमारा आता है नेक्स्ट डे GTO 2 जो कि डे 4 पे होता है। डे 4 पे GTO 2 में हमारा होता है मेनली इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, कमांड टास्क और फाइनल ग्रुप टास्क। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स की, तो मैं इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं उन पे नंबरिंग दी जाती है और जो नंबर उस ऑब्स्टेकल पे दिया गया है उतना ही पॉइंट्स उसको कैंडिडेट्स को मिलते हैं जो उनको टैकल कर लेते हैं। और हम लोगों को कैंडिडेट्स को इसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना होता है बाय टैकलिंग दी ऑब्स्टेकल। तो सबसे पहले इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स में आता है सिंगल रैम, ये सबसे आसान होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं बिल्कुल बस चल के जाना है। फिर उसके बाद आता है डबल बैरल जंप में क्या होता है, दो ड्रम्स एक के बाद एक रखे रहते हैं और इसपे वायर लगे होते हैं कटीले और इसपे हम लोगों को जंप करनी होती है, मतलब ये लॉन्ग जंप जैसा। फिर आता है बैलेंसिंग बीम, और बैलेंसिंग बीम में 3 वुडन स्ट्रक्चर होते हैं और हम लोगों को बैलेंस करके उसको पार करना। फिर उसके बाद आता है स्क्रीन जंप, उसमें एक रैंप सा बना होता है और एक सामने स्क्रीन होती है और उसके ऊपर से जंप करना होता है और आगे एक सैंड पिट होती है ताकि इंजरी ना हो। फिर उसके बाद आता है 5वें नंबर पे बर्मा ब्रिज पे क्या होता है, एक तरफ से सीढ़ियां बनी होती हैं और ऊपर 2 रोप्स लगी होती हैं और ऊपर वाली रोप्स को पकड़ के नीचे वाले रोप्स में पैर रखते हुए पार करना होता है और दूसरे एंड से उतर जाना होता है। बर्मा ब्रिज के बाद आता है टार्जन स्विंग में क्या करना होता है, हमें एक प्लेटफॉर्म दिया होता है वो अराउंड 10 फीट हाई होता है, उस पर हम लोगों को चढ़ना होता है और वहां से हमारा जो ग्राउंड्समैन होता है वो हम लोगों को एक रोप देता है और रोप को हम लोगों को होल्ड करके हमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस क्लियर करना होता है। वहां पे मेंशन होता है एक 2 रेड कलर की ब्रिक लगी होती है सैंड पिट के बगल में, वो हमें क्लियर करना होता है और उसके पार में कूदना होता है। और फिर टार्जन स्विंग के बाद आता है डबल प्लेटफॉर्म जंप में क्या होता है, हमारे पास 2 प्लेटफॉर्म होते हैं, एक 10 फीट हाई होता है और एक 5 फीट हाई होता है और हमें सबसे पहले 10 फीट हाई पे विद द हेल्प ऑफ सीढ़ी चढ़ना होता है और फिर वहां से नीचे कूदना होता है, फिर वापस सैंड पिट में कूदना होता है। फिर डबल प्लेटफॉर्म जंप के बाद आता है डबल डिच में क्या रहता है, एक रोप लगी रहती है और एक पहले बड़ा डिच होता है तो वो हमें मोमेंटम बना के लाना होता है, दौड़ के उस रोप को होल्ड करना होता है और पहला डिच पार करने के बाद दूसरा डिच छोटा होता है तो आप उसको जनरली नॉर्मल जंप में पार कर सकते हैं, तो डबल डिच ऐसा हो जाता है। फिर आता है कमांडो वॉक में क्या रहता है, दोनों तरफ सीढ़ियां होती हैं और वो सीढ़ी से चढ़ के आपको एक नैरो प्लैंक मिलेगा, नैरो प्लैंक में एक विक्ट्री स्टैंड होता है बीच में, वहां पे आपको बैलेंस बनाते हुए चलना पड़ेगा और विक्ट्री स्टैंड के सबसे ऊपर जाके आपको अपनी फेवरेट एक्ट्रेस या अपनी गर्लफ्रेंड का नाम या अपना जो ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में वॉर प्राय था वो चिल्लाना होगा और वो पार करते हुए दूसरी साइड से नीचे आना होगा। फिर कमांडो वॉक के बाद सबसे लास्ट आता है टाइगर स्लीप जो कि लोग मानते हैं बहुत ही टफ होता है, तो टाइगर लीप के का नंबर भी 10 होता है तो सबसे ज्यादा पॉइंट्स भी यही देता है। तो टाइगर लीप में क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है उस पर हमें एक साइड से क्लाइंब करना होता है और सामने एक रोप होती है उस पर हमें टाइगर की तरह एक लीप लेना होता है और रोप को होल्ड करके नीचे आना होता है। ऐसे ही हम लोगों के 10 ऑब्स्टिकल्स हो जाते हैं और अगर ये सारे 10 ऑब्स्टिकल्स करने के लिए कैंडिडेट्स को 3 मिनट का टाइम दिया जाता है और अगर 3 मिनट में सारे ऑब्स्टिकल कैंडिडेट कर लेता है तो वो रिपीट भी कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट गेन करने के लिए कैंडिडेट्स जो हायर पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं वो वाले रिपीट कर। तो इसी के साथ हमारा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हो जाता है। अब बात करते हैं कमांड टास्क के बारे में। कमांड टास्क में हर एक कैंडिडेट को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपनी एबिलिटीज को GTO को दिखा सके, इसीलिए उसको इंडिविजुअली बुलाया जाता है एज अ कमांडर और वो अपने 2 टीममेट्स चुन सकता है अपने ग्रुप से और उसको एक टास्क दिया जाता है और उसको सॉल्व कराया जाता है। कमांड टास्क हो जाता है ऐसी और कमांड टास्क हो जाने के बाद आता है फाइनल ग्रुप टास्क। फाइनल ग्रुप टास्क आखिरी टास्क होता है GTO सीरीज का और फाइनल ग्रुप टास्क में सारे ग्रुप को एक साथ वापस मिला दिया जाता है और एक PGT और SGT जैसा एक ऑब्स्टिकल दिया जाता है और सॉल्व कराया जाता है। वो सॉल्व हो जाने के बाद हमारा GTO सीरीज कंप्लीट हो जाती है। तो अब बात करते हैं GTO सीरीज ओवर होने के बाद पर्सनल इंटरव्यू के बारे में, जो कि डे 2 डे 3 और डे 4 आपके चेस्ट नंबर को पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका इंटरव्यू कब शेड्यूल्ड है। डे 2, डे 3 और डे 4 इनमें से कभी भी हो सकता है आपके नॉर्मल टेस्ट हो जाने के बाद। और पर्सनल इंटरव्यू के बारे में बात करें तो पर्सनल इंटरव्यू मेनली आपके PIQ पे बेस्ड होता है, तो आप PIQ अपना केयरफुली भरिए। आप देख सकते हैं ये PIQ फॉर्म है और इसमें जो भी चीजें हैं उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर प्रिपेयर कर लीजिए। पर्सनल इंटरव्यू में मेनली 3-4 सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछा जाता है फ्रॉम क्लास 10 टू टिल नाउ जो आप कर रहे हैं और आपने क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लिया है
क्या स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो सब पूछा जाएगा आप। तो इसी के बाद एजुकेशनल बैकग्राउंड के बाद आपसे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, फादर मदर सिब्लिंग्स के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, फिर आते हैं हॉबीज एंड इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चंस। और हॉबीज एंड इंटरेस्ट के बाद आपका डिस्कस होता है कि जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं या टेक्निकल नॉलेज है उसके बारे में या करंट अफेयर्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टेक्निकल और करंट अफेयर्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर इसी के बाद आपसे कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं और अगर उसको और एक्सप्लोर करना है तो वो काउंटर क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। इसी के साथ हमारा पर्सनल इंटरव्यू भी हो जाता है और पर्सनल इंटरव्यू के बाद आता है कॉन्फ्रेंस डे, जो कि है डे फाइव पे। कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, हमारे कैंडिडेट्स के सामने कैंडिडेट्स को वन बाय वन एक हॉल में बुलाया जाता है, जिस हॉल में सारे GTO साइकोलॉजिस्ट और इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स एक यू शेप स्ट्रक्चर में बैठे होते हैं और सारे यूनिफॉर्म्स में बैठे होते हैं, तो इसीलिए नर्वस फील करते हैं कैंडिडेट्स, लेकिन नर्वस नहीं करना है। और जो नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एक बार देखना चाहते हैं कि जिसको वो रेकमेंड करने जा रहे हैं वो कैसा बंदा है, तो और अगर कोई डाउटफुल केस है तो उसको उस डाउट को क्लियर करने के लिए भी कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर कोई डाउटफुल केस है तो उनसे SRT पूछी जा सकती है या टेक्निकल क्वेश्चन या करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पर्सनल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है टू क्लियर देयर डाउट। और इसी के बाद कैंडिडेट्स को ब्रेक दे दिया जाता है और नाश्ता करवाने के बाद अराउंड 11-12 बजे कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है। जो कैंडिडेट्स रेकमेंड हो जाते हैं स्टेज 2 के लिए उनको मेडिकल के लिए वहीं पे रोक लिया जाता है, और जो बंदे स्टेज टू के लिए रेकमेंड नहीं हो पाते उनको कॉन्फ्रेंस आउट होना पड़ता है और उन्हें घर जाना पड़ता है उसी। और इसी के साथ SSB का पूरा प्रोसीजर खत्म हो जाता है।